मंदिर के कोषाध्यक्ष राष्ट्र संत गोविंद देवगिरी महाराज जी पहुँचे कामा। महाराज जी ने कामा पहुंचकर प्राचीन मंदिर श्री राधा गोपीनाथ जी पर की पूजा अर्चना। पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल ने किया राष्ट्र संत का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत। मंदिर गोपीनाथ जी महंत नरेश ने मंदिर के बारे में दी जानकारी। राम मंदिर निर्माण को लेकर बोले, फरवरी 2024 तक रामलाला मूल स्थान पर हो जाएंगे विराजमान, लेकिन मंदिर का निर्माण उसके बाद भी लगातार रहेगा जारी। किसी भी बैंक में नहीं था मेरा खाता, राम जी ने ही बना दिया राम मंदिर का कोष अध्यक्ष। यूकेएन में फंसे छात्रों को लेकर भी कहा, मोदी सरकार छात्रों को लाने का कर रही है कार्य। युद्ध कहीं भी हो मानवता के लिए अच्छी बात नहीं। एसडीएम दिनेश शर्मा सहित तहसीलदार इंद्रराज सहित पुलिस बल रहा मौजूद। बाल्यकाल से मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत के रूप में कर रहा हूँ। 17 वर्ष की अवस्था में मैंने श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया। भगवान ने मुझे राम जन्मभूमि के निर्माण होने वाले मंदिर के कोषाध्यक्ष की सेवा अर्पित की और उसके पश्चात अभी हमारे नरेश जी का आग्रह था कि आप आकर के यहाँ पर भगवान गोपीनाथ जी का भी आशीर्वाद आपके काम के सफलता के लिए ग्रहण करें। मैं वास्तव में भगवान गोपीनाथ जी की कृपा की याचना करने के लिए यहाँ पर आया। मुझे बहुत अच्छा इस बात का लगा था कि श्री नरेश जी ने अभी यहाँ के जीर्णोद्धार के काम में थोड़ी सेवा करना आरंभ किया है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि स्थानिक लोगों का इसमें बड़ा उत्साह है और लोग चाहते हैं कि वास्तव में हमारी पूर्व परंपरा के अनुरूप यहाँ का सारा पुनः वातावरण बदल जाए। जिस स्थान पर मैं आया, मैं कल्पना कर सकता हूँ वो कैसे समृद्धि का स्थान रहा होगा। हमारे ठाकुर यहाँ पर साक्षात विराजे हैं, तो उनकी सेवा भी हम लोगों को उसी प्रकार वैभव के साथ करनी चाहिए। उसकी सद्बुद्धि तो भगवान ने आपको प्रदान की ही है और उस प्रकार की समृद्धि भगवान प्रदान करेंगे, हम उसकी सेवा में लगावें और अपने जीवन को सार्थक बनावें। ब्रज का यह स्थान इतना महत्वपूर्ण है जिसका वर्णन ज्ञानियों की शिरोमणि स्वयं उद्धव जी ने ऐसे किया कि गोपियों के चरण कमल की धूलि से पवित्र यह रज जो है वह मैं अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, माथे का चंदन बनाता हूँ। तो अवश्यमेव यहाँ पर भी आकर के सेवा की आकांक्षा सबके अंतकरण में निर्माण हो। इस प्रकार का काम सबके सहयोग से ही होता है। आप जो यह कार्य करेंगे उसमें कुछ सेवा करने का प्रयास मैं भी करता रहूँगा, ऐसी भी मेरी भावना यहाँ पर आने में रही है। महाराज जी, राम मंदिर का जो निर्माण कार्य वो प्रारंभ हो गया, इससे अगला क्या कदम है आपका? देखिए, भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य अपने आप में ही इतना बड़ा काम है कि हम लोग उसके पश्चात की बात को अभी सोच नहीं सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके नींव के ही स्ट्रगल में हम लोगों ने बहुत सारे महीने लगा दिए। अब वो ऊपर का कार्य आरंभ हुआ है और 2024 की फरवरी तक यह कार्य संपन्न होकर के हम लोग भगवान रामलला को उनके गर्भगृह में पूरी श्रद्धा के साथ विराजमान करके लोगों के लिए नए मंदिर का दर्शन खुला कर देंगे, ऐसी हम लोगों को पक्की आशा है। इसका अर्थ आप ये मत करना कि मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। मंदिर का काम तो उसके पश्चात भी चलता रहेगा, लेकिन भगवान रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और सारे लोग भी उनके मूल स्थान में दर्शन करने के लिए उसके पश्चात प्रवेश कर सकेंगे। एक आपने अभी कहा था कि मैंने कभी हस्ताक्षर नहीं थे, बैंक में कोई खाता नहीं था और मैं इतना बड़ा ट्रस्टी बना दिया, इसके पीछे क्या है? पूज्य योगी जी ने जब पहली बार मैं इस ट्रस्ट में आने के बाद उनसे मिला तो ये कहा कि महाराज, आपने न प्रयास किया न आपने इच्छा की, लेकिन अब तक आपने जो वेदों की और भगवान की सेवा की है अनेक प्रकार से, उस सेवा के कारण राम जी ने ही आपको यहाँ पर सेवा के लिए बुला लिया है। तो ये राम जी जाने कि मैं वहां पर कैसे पहुंच गया। वाह।
राम जी। एक ये यूक्रेन को लेके कुछ कहना चाहेंगे? यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जहाँ भारतीय फंसे हुए हैं। देखो, युद्ध कहीं पर भी होना मानवता के लिए मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। मुझे इस संपूर्ण बात की सांगोपांग जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कमेंट तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि हमारी सरकार ने वहाँ पर फंसे हुए भारतीयों को, विशेष करके छात्रों को बाहर निकालने का जो उत्तम उपक्रम किया है, इसके लिए उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। हम वहाँ की सरकारों के भी लिए यही आह्वान करेंगे कि आपका आपस में चला हुआ युद्ध, यह हमारे छात्रों के लिए अथवा अन्य कहीं के भी नागरिकों के लिए दुखदायी नहीं होना चाहिए। इतना विवेक रख करके और फिर आपको जो राजनीति करनी है आप लोग करते रहिएगा, उसमें हम अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई कार्य वहाँ पर नहीं होना चाहिए जिसके कारण मानवता कलंकित हो जाए। वाह।